रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आईवे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार आदाब, मैं सलीमा रजा और मैं अरशद इकबाल एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम आपके उसी पसंदीदा साप्ताहिक प्रोग्राम आईवे यह रोशनी का कारवां में। अरशद, क्या कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आया है जिसे अपने हाथों से तुमने निकल जाने दिया हो और फिर बाद में तुम्हें पछतावा हुआ हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों कभी कुछ ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ? एक मौका तो आया था। अच्छा? हाँ, लेकिन जब मौका चला गया तो पता चला कि मौका था। ओ, समझ गई। होता है। पर कितना अच्छा हो अगर ऐसा कोई मौका आने पर हम उसी वक्त फिलबदी जस्ट देन पूरी समझदारी और धैर्य से फैसला लें ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला बाद में दुख देता है, है ना? मैं क्या बात कही आपने, बाद में तो हर एक पर बस यही कहावत लागू होती है कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, हैं? दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं श्री प्रवीण कुमार, जो के वॉलंटियर सर्विस ओवरसीज यानी VSO में प्रोग्राम मैनेजर हैं। जी, दोस्तों, VSO एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो भारत और दूसरे विकासशील देशों में डेवलपमेंट सेक्टर को वॉलंटियर्स मुहैया करता है। प्रवीण बचपन से ही दृष्टिहीन है, वो महीने में करीब 15 दिन टूर पे रहते हैं, वो भी अकेले। काम के सिलसिले में प्रवीण सिर्फ विदेश ही नहीं बल्कि उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों का भी दौरा किया करते हैं। तो दोस्तों, प्रवीण से उनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी जॉर्ज एब्राहम। नमस्कार प्रवीण, आप VSO में कार्यरत हैं एज प्रोग्राम मैनेजर, आप अपने काम के बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बता दीजिए। VSO का मेन काम यह है कि वॉलंटियर्स को प्लेस करना या एक या दो साल के लिए NGOs में। तो मेरा उसमें मेरा मेन काम यह है कि जो NGOs के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करना और वॉलंटियर्स को मैनेज करना, और इसके अलावा जो रिव्यूज़ वगैरह जो करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए रहते हैं उसके अगेंस्ट जो रिव्यूज़ करना रहते हैं वो सब करते हैं, और बाकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्षमता बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जैसे मैं मुख्य स्तर पर गवर्नेंस प्रोग्राम में लीड करता हूँ, तो उसमें गवर्नेंस ट्रेनिंग्स हो, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स के ऊपर हो, वर्कशॉप्स कंडक्ट करना हो, तो ये सब पूरा कोऑर्डिनेशन मैं करता हूँ। प्रवीण, आपके कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है? नहीं, हम मेनली ईस्टर्न स्टेट्स में काम करते हैं, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और हमारा काफ़ी सारे पार्टनर्स दिल्ली में भी हैं। तो महीने में करीब 15-20 दिन बाहर ट्रैवल करना पड़ता है। और आप दृष्टिहीन हैं, तो ये ट्रैवलिंग आप इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं? एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग करने में ऐसा तो परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना वाइट केन यूज़ करता हूँ और लोकली जो ट्रैवल करना है वो तो पैदल जाता हूँ। लेकिन कहीं बाहर जाते तो मैं तो प्लान कर लेता हूँ, जैसे घर से रेलवे स्टेशन जाना है तो बस या ऑटो पकड़ के चले जाते हैं, बस स्टैंड तो पता है घर के पास में कहाँ है, तो वहाँ से बस में चढ़ के चल गया और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गया। वहाँ से जाऊँगा तो मेरा स्टिक के सहारे किससे पूछ लेता हूँ रास्ते में कि डायरेक्शंस कहाँ है, तो वो बता देते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद, जहाँ मान लीजिए रायपुर जाना हो तो रायपुर पहुँच गया, तो रायपुर में जो पैसेंजर्स हैं उनको थोड़ा मदद के लिए पूछता हूँ, तो वो अक्सर छोड़ देते हैं बाहर गेट के पास, तो वहाँ से रिक्शा या ऑटो या बस जो भी है वहाँ से पकड़ के मैं पहुँच जाता हूँ। आपके ट्रैवल के दौरान आपके कई दिलचस्प अनुभव हुए होंगे? एक बार ऐसे हुआ यहीं दिल्ली में, जो मैं बस में बस स्टैंड के पास गया था बस पकड़ने के लिए, तो वहाँ जाके जनरली मैं पूछता हूँ कौन सा बस नंबर है, बस नंबर आएगा तो थोड़ा बता दीजिए ऐसा करके, तो उस समय उनको बताया कि एक पर्सन मिला, तो उनको बोला 480 वाला बस आएगा तो बता दीजिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वो बता दूंगा लेकिन आप बताइए 376 बस आएगा तो बता दीजिए, तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने फिर बोला भैया मुझे 480 बस आएगा तो प्लीज़ बता दीजिए, वो बोला मैं बता दूंगा फिर लेकिन 376 बस आएगा तो आप बता दीजिए, मुझे फिर थोड़ा डाउट लगा,
अरे भैया मुझे दिखता नहीं है, 480 वाला बस में जाना है, आएगा तो बता दीजिए, आप क्यों मुझे पूछ रहे हैं कि 376 आएगा? तो वो बोला नहीं नहीं मुझे भी दिखता नहीं है। तो दोनों हंस लिए तुरंत। कोई और अनुभव? जैसे एयर ट्रेवल्स में जो जाते हैं ज़्यादातर नेत्रहीन लोग जो एयरपोर्ट में जाते हैं तो उनको असिस्टेंस मिलता है फ्रॉम द गेट टिल द एयरक्राफ्ट, तो मैं जाता हूँ तो मुझे भी मिलता है। तो एक बार क्या हुआ, मैं गया था तो असिस्टेंट आया तो उनको बोला मुझे थोड़ा एयरक्राफ्ट तक जाना है, बोर्डिंग कार्ड वगैरह लेना है, तो उन्होंने बताया कि खड़े रहिए आपको व्हील चेयर लेके आएंगे, तो वो चला गया। तो फिर 2 मिनट के बाद व्हील चेयर लेके आया, तो मैंने उनको बोला आपको दिखता नहीं है, मेरा पैर ठीक है खाली दिखता नहीं है, आपका मदद चाहिए। तो वो माना नहीं, नहीं नहीं आपको बैठना ही है। तो मैं बोला नहीं मैं इसमें नहीं बैठूंगा, आप कृपया मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और आप गाइड करके लेके जाइए। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे भुलाएगा, लौट के आएगा, नई नई राहों में दबी दबी आहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई एक है। प्रवीण आपके क्वालिफिकेशंस क्या है और आपके पढ़ाई के बारे में कुछ बताएंगे? बेंगलोर में मेरा जन्म हुआ और बेंगलोर में मैंने स्कूल में ज्वाइन किया, लेकिन स्कूल में ज्वाइन करते समय थोड़ा मुश्किलें हुआ क्योंकि मेरे घर के पास में जो स्कूल था उन लोग बोले कि आप नेत्रहीन हैं तो इनको कैसे पढ़ा सकता है, तो इनको स्पेशल स्कूल में डालना है ऐसा करके। लेकिन मेरे माँ ने बहुत मोटिवेटेड थी और बहुत कीन थी कि मैं रेगुलर स्कूल में पढ़ूँ, तो सेंट जोसेफ स्कूल में भर्ती किया और वहाँ भी थोड़ा अच्छा पढ़ा मैंने, बट टुवर्ड्स 9th स्टैंडर्ड मैंने कोप नहीं कर पाया क्योंकि ICSE सिलेबस था और ज़्यादा मोटिवेशन नहीं था, वो मेन कारण मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उस समय सोचता था कि क्या आगे क्या करूँ बिकॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो 9th में मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और उसके बाद मैंने स्टेट सिलेबस में एक और स्कूल था घर के पास में, तो वहाँ पढ़ के मैंने पास किया 10th स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद प्लस वन प्लस टू एंड कॉलेज अगेन सेंट जोसेफ में ही ज्वाइन किया, बट MSW करने के लिए बहुत इरादा था, बहुत एम्बिशन था, क्योंकि मैंने सुना था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो MSW करके एक कोर्स है जो कि लोगों के बीच में विकास के लिए काम करने वाला है। तो MSW के लिए मैंने कहीं इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस के लिए गया था कर्नाटका में, तो वो लोग मना कर दिए, बोले कि आप ब्लाइंड हो तो कैसे गांव में जाके कैसे काम कर सकते हो। लेकिन मैं बहुत इच्छुक था कि मुझे MSW करना ही है, वेरी एडमेंट अबाउट इट। एंड उसके बाद MCC मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में मुझे सीट मिला और वहां से मैं पढ़ के पास किया। प्रवीण आपको अपनी जिंदगी में प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे माँ एक प्रेरणा है बिकॉज उन्होंने मुझे अक्सर पढ़ने के लिए बोलते थे और कुछ काम करना है, घर में नहीं बैठना है ऐसा करके। एंड प्लस वन प्लस टू में जो एक प्रोफेसर खास करके था वाइस प्रिंसिपल, वो बहुत प्रोत्साहन दिया कि यू आर अ वेरी ब्राइट पर्सन स्टूडेंट, यू हैव टू यूटिलाइज योर पोटेंशियल ऐसा करके बोलते थे। आपका कोई रोल मॉडल? एक व्यक्ति है जो कि एक्शन ऑन डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट का कार्य निर्देशक थे, उनका नाम मिस्टर वेंकटेश है। तो उन्होंने बहुत प्रेरण किया मुझे, बचपन से मैं उनको देखता था वो कैसे काम कर रहा है और वो भी विकास सेक्टर में ही है।
हम ये जानना चाहेंगे कि वीएसओ आपके लिए कुछ विशेष रूप से सुविधाएं प्रोवाइड किया है ऑफिस में। वीएसओ ने मेरे लिए जॉज सॉफ्टवेयर लगाया है कंप्यूटर में, जो कि स्क्रीन रीडर है। दूसरा चीज ये है कि ब्रेल साइनेजेस जहाँ जहाँ नेसेसरी है फाइल्स के ऊपर, वो सब जो है किए हैं। मन को बहलाने के लिए आप क्या करते हैं प्रवीण? मैं ज्यादातर गाना सुनता हूँ और गाने भी लिखता हूँ अंग्रेजी में और हिंदी में। किताबें पढ़ता हूँ, नॉवेल्स, स्टोरी बुक। आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करेंगे, उन्हें बीबीसी चैनल 4 पर एक साप्ताहिक शो इन टच के प्रस्तुतकर्ता के तौर पर ज्यादा जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं इंग्लैंड के पीटर वाइट की, जो जन्म से ही दृष्टिहीन है। श्री पीटर के जीवन पर एक नजर डालने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद है जानी मानी फिल्म हस्ती नसीरुद्दीन शाह। पीटर वाइट, जिनका आत्मविश्वास उन्हें कामयाबी की बुलंदियों तक ले गया। जन्म से ही नेत्रहीन पीटर को शुरू से ही अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और अपने इसी आत्मविश्वास के बल पर उन्हें बीबीसी में एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर नौकरी मिल गई। बीबीसी के साथ काम करते हुए उन्होंने नेत्रहीन श्रोताओं के लिए इन टच नामक प्रोग्राम पेश किया और बाद में 1987 से 1989 के बीच एक और प्रोग्राम सेम डिफरेंस को भी निर्मित और एडिट किया। पीटर की उपलब्धियों का सिलसिला यहीं पर समाप्त नहीं होता। वो पहले ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीविजन न्यूज के लिए रिपोर्ट्स तैयार की थी। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य रेडियो 4 प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए हैं। खास तौर पर नेत्रहीन श्रोताओं के लिए तैयार किए गए अपने प्रोग्राम इन टच के माध्यम से वो उनके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बांटते हैं और उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। उन्होंने सी इट माई वे नामक जीवनी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के दिलचस्प अनुभवों के बारे में बताया है। कामयाबी और उपलब्धियों से भरा अपना सफर तय करते हुए उनकी मुलाकात जो से हुई और दोनों ने शादी कर ली। आज जो और पीटर एक सुखी विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 4 बड़े बच्चों के माता पिता हैं। हाँ तो दोस्तों, कल एक ऐसा हुआ कि एक जनाब मुझे मिले, तो मुझसे पूछने लगे, अम्मा सलीमा जी, ये आपके प्रोग्राम में बार बार आईवे हेल्प डेस्क और iway.org का नाम आता है, तो आखिर ये आईवे है क्या? जी मैं बता रही हूँ, आईवे स्कोर फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है जो कि आंख और दृष्टिहीनता पर जानकारी का एक केंद्र है। अच्छी बात है। हाँ, जानकारी देने के लिए आईवे की एक वेबसाइट भी है। जी हाँ, www.iway.org। हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रोजेक्ट आईवे के तहत ही हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं, जिसका नाम है आईवे, ये है रोशनी का कारवां। भाई माशाल्लाह। और सुनिए जनाब, इतना ही नहीं, आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी देने के लिए आईवे की हेल्प डेस्क भी है। भाई इस आईवे हेल्प डेस्क पर, आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? आईवे हेल्प डेस्क पर जानकारी कैसे मिल सकती है, ये बताइए। मैं बताती हूँ, हमारे श्रोता 9968329329 पर आईवे हेल्प डेस्क से संपर्क करते हैं और आंख और दृष्टिहीनता से जुड़े अपने सवाल पूछते हैं, जिनका उन्हें संतोषजनक जवाब देने की हमारी पूरी पूरी कोशिश होती है। सलीमा जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम उन्हीं लोगों से अपने श्रोताओं का परिचय करा दें जो इस आईवे हेल्प डेस्क को संभालते हैं। अरे वाह, क्या सही सोचा है अर्शद तुमने। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जॉर्ज इब्राहिम और प्रणय गड़ोदिया, जो आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब बताएंगे जिन्हें लोग हेल्प डेस्क पर कॉल या ईमेल करके आमतौर पर उनसे पूछते हैं। तो भाई लोग तैयार हो जाइए जॉर्ज और प्रणय की जानकारी से भरपूर दिलचस्प बातचीत सुनने के लिए।
शुक्रिया अरशद, शुक्रिया सलीमा जी। प्रणय, हम लोग शुरू करते हैं सवाल जवाब का जो सिलसिला है। जरूर जोत साहब, सबसे पहले आपको याद होगा जोत साहब, हमारे पास में एक ईमेल आया था हैदराबाद से एक वॉलंटियर का, जिन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा था जो सीए करना चाहते थे। हाँ जी, और हमने उन्हें कनेक्ट किया था हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं जो ब्लाइंड हैं मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर में, जिनसे उन्होंने आगे के लिए अपना मार्गदर्शन गाइडेंस लिया। फिर एक और कॉल आया था पुणे से, मेरे ख्याल से, जिनको आईएएस एस्पिरेंट थे। हाँ जी, और जो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके थे, बट बात करते समय पता चला कि वो कंप्यूटर्स नहीं जानते हैं। और आज की तारीख में आप लोग सब जानते हैं कि कंप्यूटर का क्या महत्व है। और हमने उन्हें कनेक्ट किया हमारे एक फ्रेंड पुणे में, जिनसे उन्हें बात करके उन्हें एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कोर्स उन्होंने चालू कर लिया। और हमारे कॉलर थे एक दिल्ली से, जो कि अभी भी हमें कॉल करते हैं, और वो अपना 12th कॉमर्स कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ चुके थे। जी जी, हमें बिल्कुल याद है, बिल्कुल मायूस और निराश हो गए थे। और वो चाहते थे कि अपने डैडी के दुकान में कुछ छोटा मोटा काम करें, बट वो एक उनके लिए कॉम्प्रोमाइज था। और हमने उन्हें मोटिवेट किया कि बॉस, ये तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इससे आप ज्यादा कुछ कर सकते हैं अगर आप पढ़ लें। आज वो अपना ग्रेजुएशन फिर से चालू कर चुके हैं। बिल्कुल साहब, जब आप कई ऐसे लोगों की कहानी सुनते हैं जो दृष्टिहीन होने के बावजूद काफी आगे निकल चुके हैं, जरूर मेरे ख्याल से प्रोत्साहन मिलता है, जोश आ जाता है अपनी जिंदगी में। छोटे बच्चों के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमारे पास में कुछ माता पिताओं के, कुछ अभिभावकों के कॉल्स आए हैं। हाँ, ये जो 3 साल का जो लड़का था जो बचपन से ही ब्लाइंड है और एक प्ले स्कूल में पढ़ता है दिल्ली के आसपास, और जिस स्कूल में आप गए थे उनके प्रिंसिपल से मिलने के लिए। बिल्कुल, और वहाँ पर समस्या ये था कि वो लोग सोच रहे थे कि ये बच्चे को उनके जो एक्टिविटीज में कैसे शामिल किया जाए। और आपने जो तरीके बताए जिससे कि उस बच्चे को इंक्लूड किया जाए उनके प्ले स्कूल एक्टिविटीज में, और इससे फायदा ये हुआ दोस्तों कि जो बाकी बच्चे थे उनके लिए भी कुछ मौका मिला उनकी हियरिंग और टच स्किल्स को डेवलप करने के लिए। और एक और कॉल मेरे ख्याल से आया था, दिल्ली से कॉल था, पर वो अपने मित्र के लड़की के बारे में बात कर रहा था जो 3 साल की थी और अल्मोड़ा में रहती है। जी जी जी, जो ब्लाइंड थी, और वो कुछ भी नहीं जानते थे कि किस तरह से एजुकेट किया जाए, किस तरह से उनका पालन पोषण किया जाए। और हमने उन्हें सुझाव दिया था कि 4.5 साल के पहले कोई भी स्कूल, ब्लाइंड स्कूल जो है, किसी बच्चे को नहीं लेगा। इन 4 सालों में माता पिताओं को चलने फिरना, टॉयलेट हैबिट्स, सफाई का जो हैबिट्स हैं, ये सब बच्चे को सिखाना चाहिए और ये माता पिताओं का दायित्व बनता है। और हमारे पास में और भी कई कॉल्स आए हैं, जैसे मध्य प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, झारखंड से आए हैं, बिहार से आए हैं, जिसमें कि माता पिता ये जानना चाहते थे कि उनके जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन, करंट एजुकेशन और हायर एजुकेशन कैसे करेंगे। और आज के तारीख में कई ऐसे बच्चे हैं जो ब्रेल इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, लार्ज प्रिंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से जो भी करिकुलम है पढ़ सकते हैं और एग्जाम्स भी लिखते हैं। जॉर्ज साहब, इस बार आपकी पसंद का कोई गाना सुना जाए तो। जरूर साहब, मैं हूँ झुमझुम झुमझुम झुमरू पक्कड़, यू नो, झुमरू का जो गाना है किशोर कुमार जी का। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। मैं हूँ झुमझुम झुमझुम झुमरू पक्कड़, घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुमझुम झुमझुम झुमरू फक्कड़, घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। ओ टिड़िड़िड़ि उड़ रे पका यो का पका। ओ टिड़िड़िड़ि। दोस्तों, गाने के बाद आगे चलते हैं। हमारे पास में कई सारे कॉल्स आए हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या मैक्यूलर डीजनरेशन या अन्य रेटिनल डीजनरेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका इलाज क्या मुमकिन है, क्या रिसर्च चल रही है उस बारे में। आज के तारीख में हम ये कहना चाहेंगे कि रेटिना के जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई पूरा इलाज नहीं है, हालांकि उनका काफ़ी शोध तो चल रहा है दुनिया भर में। और खुशी की बात यह है कि जल्द ही हमारे कार्यक्रम में हम लोग एक रेटिना स्पेशलिस्ट जो है उनको, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इन सब लोगों को हमने साथ में ये भी बताया दोस्तों कि भले ही रेटिना खराब हो रहा है, नज़र कमज़ोर हो रही है, लेकिन इससे ज़िंदगी रुकती नहीं, इससे आपके ग्रोथ में कोई अड़चन नहीं आ सकती। बिकॉज इट्स द माइंड, इट्स योर पैशन दैट ड्राइव्स यू, नॉट योर आई।
बिल्कुल साहब, जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं। इसी तरह से प्रोग्राम में सुनने के बाद कई लोगों ने हमें कॉल किया, या कोई लोग जानते नहीं थे उन्हें हमने बताया कि एक कंप्यूटर पे किस तरह से काम किया जा सकता है, एक मोबाइल फोन को किस तरह से यूज किया जा सकता है उसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर्स डाल के, जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है आज। और प्रणय, आपको याद होगा कि हमें कई ऐसे कॉल्स आए हैं जो लोग कहते हैं कि वो नेत्रदान करना चाहते हैं। हाँ जी, और हमने उन्हें बताया कि क्या तो आप अपने शहर से 1919 यानी 1919 डायल करें, जो कि ज्यादातर शहरों से लगता है और एक आपकी नजदीकी आई बैंक में ये कॉल जाता है। नेत्रदान जो होता है वो मरणों उपरांत ही हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपना कमिटमेंट, अपना प्लेज फॉर्म भर देते हैं और एक आई बैंक में सबमिट कर देते हैं। और जब आप आई बैंक की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से चंडीगढ़ और बॉम्बे से हमें 2-3 कॉल्स आए हैं जहां पर वो डॉक्टर्स पूछे हैं कि हमें आई बैंक शुरू करना है, किस प्रकार किया जाए। इसके लिए हमारे वेबसाइट www.iway.org में विस्तार से जानकारी है। और हमने उन्हें आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी कनेक्ट किया। और जॉर्ज साहब, एक मुद्दा हमने बार बार देखा है कि अगर कोई महिला है, लड़की है और दृष्टिहीन है तो वो काफी समस्यापूर्ण बात समझते हैं इसे। ये मेरे ख्याल से समाज का भी एक सोच है कि महिला कुछ कमजोर है और अगर वो उसके साथ दृष्टिहीन भी है तो लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। कई ऐसे महिला हैं जो दृष्टिहीन होने के बावजूद अपने अलग अलग लेवल्स पर अपने जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमारे कार्यक्रम में भी ऐसे महिलाओं से हमने मुलाकात किया है। हमें एक और बात याद आ रहा है प्रणय, कई लोग हमसे फोन करके ये पूछा है कि दृष्टिहीन लोग क्या बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि कई बैंकों ने इसको मना किया था। हाँ जी, और हमने उन्हें उस ऑर्डर की कॉपी दी जो मिस्टर पिंचा ने एक प्राइवेट बैंक्स के अगेंस्ट केस करके इंटरिम ऑर्डर प्राप्त किया था। मेरे ख्याल से मिस्टर पिंचा से हमने हमारे कार्यक्रम में भी बात किया था, और उस ऑर्डर में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मिस्टर पिंचा को एक नॉर्मली जैसे सेविंग्स अकाउंट खोला जाता है सारी सुविधाओं के साथ, उस तरह से खोला जाए। और ये कॉपी हमने लोगों को भेजी और भेज रहे हैं, और जिससे उनको अपना बैंक अकाउंट सभी सुविधाओं के साथ खोलने में काफी आसानी हो रही है। और जब आप बैंक की बात कहती हैं तो हमें उन कॉलर्स का भी याद आ रहा है जो एक तो मेरे ख्याल से बिहार से कॉल किया था और एक राजस्थान से किया था। बिल्कुल सही। जिनको डर था कि उनके आंखों की कमजोरी की वजह से उनका नौकरी चले जाएगा, और ये काम कर रहे थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जिसके ऊपर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट PWD एक्ट लागू होता है। बिल्कुल, जिसमें कि 1% रिजर्वेशन होता है दृष्टिहीन लोगों के लिए जॉब्स में। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ये भी कहता है कि दृष्टिहीनता के बल पर हम किसी को नौकरी से निकाल नहीं सकते। बिल्कुल, हमारे पास में कुछ ऐसे भी कॉल्स आए जहां लोगों की आंखों की प्रॉब्लम तो है लेकिन उनकी डिसेबिलिटी 40% से नीचे थी, यानी कि ये दृष्टिवान भी नहीं है और ये दृष्टिहीन कैटेगरी में भी शामिल नहीं है, बीच में है। बिल्कुल, तो इसके कारण इन्हें विकलांगता के जो प्रोविजंस हैं लॉ में उसका बेनिफिट भी मिलता नहीं। और हमने इन्हें बताया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दिया गया एक जजमेंट जिसमें कि एक व्यक्ति ने एक पब्लिक सेक्टर बैंक के अगेंस्ट केस किया था जिसकी 30% डिसेबिलिटी थी, विजुअल डिसेबिलिटी। उस ऑर्डर में कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे कैंडिडेट्स को जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो उन्हें एक जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाए और उन्हें ऑन मेडिकल ग्राउंड्स उन्हें अनफिट डिक्लेयर करके नहीं रिजेक्ट किया जा सकता। आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट करें। और अब ठाकुर, एपिसोड 18 में पूछे गए सवाल का जवाब भी बता दो। तुम मना किसने किया है दोस्तों, सवाल 18 एपिसोड में जो हमने पूछा था वो मैं ही आपको बताती हूँ। वो सवाल था निकट दृष्टि का क्या मतलब है, और आपके ऑप्शंस थे ए, लंबी दूरी की चीजों को ठीक से ना देख पाना, बी, नजदीक की चीजों को ठीक से ना देख पाना, सी, कुछ भी ना देख पाना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि लंबी दूरी की चीजों को ठीक से ना देख पाना। और इस बार के हमारे लकी विनर का नाम बताने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया। शुक्रिया सलीमा जी। हाँ तो दोस्तों, एपिसोड 18 के लकी विनर बने हैं मिस्टर विश्वनाथ प्रसाद जबलपुर मध्य प्रदेश से।
विश्वनाथ जी आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, जिसे भी निकट दृष्टि यानी मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस है, उसे रेगुलरली आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे हर 6 महीने में जाएं और अपनी आंख की जांच करवाएं, जिससे फायदा यह होगा कि आपको अपने चश्मे के नंबर में अगर कोई बदलाव है तो वो भी पता चलेगा और आपके रेटिना यानी आंखों के पर्दे की भी जांच हो जाएगी, क्योंकि जिसे मायोपिया होता है उनके रेटिनल प्रॉब्लम्स होने की संभावना कुछ बढ़ जाती है। हमें ये बताया दिल्ली की एक लो विजन एक्सपर्ट सचू रामलिंगम ने, जो हमारे अगले एपिसोड में लो विजन रिहैबिलिटेशन पे विस्तार से बातें करेंगे। और अब एपिसोड 24 का सवाल, जो कुछ इस तरह है कि अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड हो तो इसका मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए, ऐसे व्यक्ति को रंग दिखाए जाने पर वो कुछ भी नहीं देख पाता। बी, ऐसा व्यक्ति कुछ रंग नहीं देख पाता या वो रंग उससे कुछ और रंग दिखाई देते हैं। या सी, ऐसा व्यक्ति सिर्फ रंग ही देख सकता है, बाकी कुछ नहीं। If a person is colorblind, what does it mean? A. It means a person cannot see anything when colors are shown to him or her. B. Colorblindness means that a person cannot see some colors or sees them differently. Or C. It means such a person can only see colors and nothing else. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 09968329329। और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iwayeway.org पर लिखें। सलीमा, हमारा स्टेशन आ गया अब। अरे, अब हमें उतरना पड़ेगा, यानी अपने श्रोताओं को अलविदा कहना होगा। अरे 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 हम तो ये कह रहे थे कि सफर करते हुए मंजिल ब मंजिल जा रहे हैं हम, मुझे ये सारी दुनिया कारवां मालूम होती है। वाह, क्या बात है। इस खूबसूरत शेर के साथ हम दोनों यानी सलीमा रजा और अरशद, हम दोनों ही कहते हैं खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का।